देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरे साथ घटी कुछ ऐसी खौफनाक कहानी जो न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे साथियों को भी मौत के मुंह तक लेकर गई थी। हमारे मालिक द्वारा हमें एक काम सौंपा गया था। दरअसल हम 60 ड्राइवरों को अपने अपने ट्रक को लेकर रात के समय ही डिलीवरी करनी पड़ती, क्योंकि हमारे अंदर वो तजुर्बा था जिसके कारण हम लोगों को डर और खौफ का कोई अंदाज़ा तक नहीं होता। हम बेखौफ होकर आराम से ट्रक ड्राइव करते हैं और रात के सफ़र का आनंद भी लेते हैं। और हम सभी ड्राइवर के साथ एक एक हेल्पर भी काम करता था। और आज एक बार फिर हमें एक बहुत लंबी डिलीवरी करनी थी, शायद ही आज तक की सबसे बड़ी डिलीवरी थी। इस बार हमें जम्मू के लिए निकलना था, जम्मू जो हमारे यहाँ से बेहद दूर था। हमें इस काम को पूरा करने के लिए तकरीबन 6 दिन का वक्त लगने वाला था। फिर हम सब भी चल पड़े। एक तो आतंकवादियों से घिरा हुआ वो इलाका बड़ा ही वीरान लगता था, ऊपर से हमें इस बात का डर था कि कहीं कोई हमारे ऊपर हमला ना कर दे, क्योंकि वहाँ ट्रक ड्राइवर पर हमले की बात कुछ ज़्यादा ही सामने आती है। लेकिन एक बार फिर हम बेफिक्र होकर अपने ट्रक को ड्राइव करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगे। कहते हैं जब इंसान हद से ज़्यादा बेफिक्र होने लगता है तो उसके साथ कुछ ऐसी अनहोनी अवश्य होती ही है जो उसे इस बात का एहसास करवा देती है कि उसने जो भी किया वो बहुत गलत था। दूर दूर तक शराब का कोई नामो निशान नहीं था और बिना घूंट लिए आगे बढ़ना हमारे लिए बिना कदमों के चलने जैसा था। मेरे एक साथी ड्राइवर का फोन आया जो इस समय सबसे आगे चल रहा था। उसने कहा, अरे भाई, आगे ठेका नजर आ रहा है और यहीं पर इकट्ठा होकर सब लोग एंजॉय करते हैं। पूरे दिन की भागदौड़ की वजह से शाम को थोड़ी बहुत पी लेना हमारे लिए बिल्कुल गलत नहीं था, क्योंकि हम सभी मजदूरी करते करते बुरी तरह थक जाते थे। अपने दोस्त की बात मानकर मैंने सभी ट्रकों को ओवरटेक कर दिया और आगे निकल गया। और आगे निकलने के बाद मैं सबसे पहले उसके पास पहुंचा तो वो पहले से ही तैयार था। उसने अपने हाथ में एक बोतल पकड़ रखी थी और फिर हम सभी उसी ढाबे के सामने बैठकर आराम से पीने लगे। लेकिन इसी बीच उस ढाबे वाले ने कहा, अरे ओ बाबू साहेब, आगे इन चीज़ों को मत लेकर जाना, वरना आप जानते नहीं हो जम्मू की घाटियों में कुछ ऐसी चीज़ें भी रहती हैं जो इन चीज़ों की प्यासी होती हैं। मैं उस मूर्ख दुकान वाले की बातों को सुनकर थोड़ा सा हंसता हुआ बोला, अरे ओ भाई साहब, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम हैं ना, हम सब कुछ संभाल लेंगे, आप बस हमें जो मांगते हैं वो देते रहें। शायद उस ढाबे वाले को सबसे ज़्यादा एलर्जी मेरी ही बातों से थी। उसने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला और थोड़ी देर रुकने के बाद कहा, तुम सभी को अपनी मौत को आमंत्रण देना है। एक पल के लिए तो मैं उस ढाबे वाले से लड़ने को तैयार था, लेकिन मेरे साथी ड्राइवर ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया और फिर सभी अपने अपने ट्रक में दाखिल हो गए। ट्रक में बैठने के बाद सभी ने एक एक बोतल अपनी सीट के नीचे दबा ली, जिससे कि देर रात जब हम थकावट महसूस करें तो इसे एक दवा के रूप में ग्रहण कर लें। दोस्तों, उस समय मुझे एहसास नहीं था, लेकिन जब मैं आज पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे भी याद आता है कि नशा कितनी गंदी चीज़ थी जो इंसान को पूरी तरह डुबा देती है। नशा एक ऐसी गंदी चीज़ है जो इंसान को न केवल उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है, साथ ही वो ऐसे सबक भी सिखाती है जिसके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता। मेरी ट्रक एक अच्छी खासी रफ्तार के साथ आगे की तरफ बढ़ रहे थे। मेरा खलासी जो मेरे बगल वाली सीट पर बैठा था और वो भी अच्छा खासा ड्राइवर था, इस समय मैं थोड़ी बहुत थकावट का आभास कर रहा था तो मैंने अपने खलासी को स्टेयरिंग पर बैठने को कहा और वो एक नया ड्राइवर था तो उसे ट्रक चलाने का काफ़ी उतावलापन भी रहता था, या फिर यूँ कहें कि उसे ट्रक चलाने में आनंद आता था। लिहाजा वो स्टेयरिंग सीट पर बैठ गया और ट्रक ड्राइव करने लगा। एक बार फिर नेशनल हाईवे पर ट्रक अच्छी खासी रफ्तार में दौड़ने लगे। अभी मेरे फ़ोन की घंटी बजी और जब मैंने फ़ोन उठाया तो मुझे पता चला कि आगे से रास्ता बंद है। ऐसा नहीं था कि उस रास्ते को किसी सरकार के अधिकारी द्वारा बंद कराया गया था, बल्कि पेड़ों की कुछ शाखाएं टूटकर सड़क के बीचों बीच पड़ चुकी थी, जिस कारण एक आम इंसान द्वारा उन्हें हिला पाना लगभग असंभव जैसा लग रहा था। फिर हम सभी ट्रक ड्राइवर उस जगह पर पहुंचे। उस वक्त हम 10 से भी ज़्यादा लोग थे, जिस वजह से हमने किसी तरह उन शाखाओं को हिलाया और आगे का रास्ता साफ किया। सामने की ओर एक विशालकाय जंगल था।
एक ऐसा घना जंगल जिसके अंदर से एक सड़क गुजर रही थी और साथ ही ट्रक की हल्की हल्की रोशनी भी उस जंगल को जगमगा रहे थे। जैसे ही ट्रक उस जंगल के अंदर दाखिल हुए तो ट्रक के गूंजने की आवाज़ आसपास के इलाके में भी साफ साफ सुनाई दी और इससे ये जाहिर हो रहा था कि ये जंगल कितना ज़्यादा वीरान है। उस जंगल के अंदर कुछ पेड़ तो पूरी तरह सूख चुके थे तो कुछ की हरियाली इतनी ज़्यादा थी कि उनकी छांव के नीचे पानी भी ना गिर सके। एक अजीब सा जंगल जो हरा भी था और सूखा भी। उस जंगल के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन फिर भी मुझे इन चीज़ों से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ऐसे ही चलते चलते जब मैं ट्रक की विंडो से थोड़ा बाहर देख रहा था तो अचानक ही मुझे एक बरगद के पेड़ के ऊपर कोई दिखाई दिया जिसकी आंखें बेहद तेज गति के साथ चमक रही थी। उसकी चमकीली आंखों को देखकर मैं थोड़ा सा सहम गया, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी ना ही तो कोई ऐसा जानवर देखा था और ना ही मैंने कोई ऐसा परिंदा जिसकी दोनों आंखें चमक रही हों। ये सच में थोड़ा अजीब था। फिर मुझे लगा कि शायद हेडलाइट की रोशनी जैसे ही उसकी आंखों पर पड़ रही होगी तो उसकी आंखें चमक रही हैं, और यही सोचकर मैंने नज़रअंदाज कर दिया। उस जोरदार सन्नाटे के बीच मेरा खलासी जो इस वक्त ड्राइव कर रहा था अब उसके हाथ पर कपकपाने लगे और ऐसा लग रहा था मानो उसने कुछ बहुत डरावना देख लिया हो। उसके शरीर में बड़ी ही जोरदार सनसनी सी मची हुई थी और उसका गला अब बैठ चुका था। वो कुछ बोलना तो चाहता था लेकिन बोल पाने में सक्षम नहीं था। मैंने मौके पर ही उसके शरीर को जांच लिया और फिर मुझे ये ज्ञात हुआ कि असल में उसने किसी भूत जैसी चीज को देखा है। तो मैंने उसे साइड वाली सीट पर बैठा दिया और खुद ड्राइव करने लगा, क्योंकि एक बड़ा अद्भुत जंगल था। एक ऐसा जंगल जिसके अंदर आज हम पहली बार सफ़र कर रहे थे और साथ ही हम अपनी ज़िंदगी में पहली बार कोई ऐसा जंगल देख रहे थे जिसके अंदर सड़क भी सही सलामत थी, लेकिन उसके अंदर से गुजरने वाली गाड़ी में साधनों की बहुत ही ज़्यादा कमी थी। इतने में हमारी ट्रक के करीब से कोई बेहद तेज गति के साथ एकदम से गुजर गया। ये कोई दूसरी ट्रक तो नहीं थी, लेकिन इतना कन्फर्म था कि जो भी था बड़ा ही तेज और अचंभित करने वाला था। शायद ये कोई छोटी मोटी कार थी जिसकी स्पीड 150 से भी ऊपर की होगी। तभी मैंने विंडो से अपना चेहरा बाहर निकाला और बाहर की तरफ देखने लगा, लेकिन मुझे ज्ञात नहीं हुआ कि असल में वो क्या चीज़ थी जो इतनी तेज स्पीड से निकल गई। और दूसरे ड्राइवर भी थोड़े शॉक हो गए, लेकिन इंसान उस स्पीड का अंदाज़ा ऐसे ही लगा सकता है कि सभी ड्राइवर को ऐसा लगा कि कोई तेज हवा का झोंका उनके बेहद करीब से गुजर गया हो। अचानक ही सामने वाले ट्रकों की स्पीड धीमी पड़ने लगी और सामने वाले ट्रकों को स्लो स्पीड में देखकर मैंने भी ट्रक की स्पीड को एकदम कम कर दिया। फिर सभी ट्रक एकदम से रुक गए और ब्रेक लगते ही सभी ड्राइवर ट्रक से नीचे उतरने लगे। फिर हमें पता चला कि सबसे आगे वाले ट्रक के ड्राइवर का एक्सीडेंट हो गया है, और यह एक्सीडेंट एक नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि उस हादसे के दौरान हमें उस ट्रक ड्राइवर के बारे में पता नहीं चल पा रहा था और ना ही ट्रक नज़र आ रही थी, क्योंकि हमारे बगल में एक बहुत ही गहरी खाई बनी हुई थी और उस खाई के अंदर एक ट्रक का गिरना पॉसिबल तो था, लेकिन वहां से देख पाना भी बेहद आसान था। फिर मैं थोड़ा सा उस खाई की तरफ झुकते हुए नीचे देखने लगा तो मुझे एहसास हुआ कि उस खाई के अंदर कुछ चमक रहा है, कुछ ऐसा जो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। मैं दो पल के खातिर देखता रहा, लेकिन बाद में मेरे खलासी ने मुझे पकड़ते हुए पीछे की तरफ खींच लिया, क्योंकि पहले भी मेरे खलासी ने कुछ ऐसे खौफनाक दृश्य देखे थे जिनसे उभर पाना उसकी बस की बात नहीं थी। उसका तो पूरा शरीर थरथर कांप रहा था और मैं अपने खलासी के इस बर्ताव से थोड़ा हताश था, लेकिन मैं उससे पूछ भी नहीं पाया कि तुमने ऐसा कौन सा दृश्य देखा था जिसकी वजह से अभी भी तुम्हारे शरीर में डर और खौफ का खून बह रहा है। थोड़ी देर के बाद हमें किसी के चिल्लाने की आवाज आई। इस आवाज से मेरे अंदर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन मेरा खलासी मेरे हाथों से एकदम से चिपक गया। उसने मेरा हाथ एकदम से टाइट करके पकड़ लिया। पता नहीं उसको इतना भय क्यों सता रहा था। फिर वो हल्की सी आवाज में फुसफुसाते बोला, अगर हमने यहाँ पर कुछ और पल बिताए तो वो काली डायन हम सभी को मार देगी, जिसने एक ट्रक को अपने अंदर निगल लिया। ट्रक को निगलने की बात सुनकर मैं थोड़ा सा अचंभित रह गया, क्योंकि कोई भी काली शक्ति एक विशालकाय ट्रक को अपने अंदर समाहित नहीं कर सकती, चाहे वो कितनी भी खोखार क्यों ना हो।
मैंने अपने खलासी संतोष को चुपचाप गाड़ी में बैठने को कहा, क्योंकि उसकी हरकतें अब हमें भी डरा रही थी। लेकिन उसने हमारी बात नहीं मानी और जिद्दी करने लगा कि बस हमें किसी तरह यहाँ से निकलना है, वरना सब खत्म हो जाएगा। लगातार 4 घंटे तक हम उस घने जंगल में इधर उधर भटकते रहे, लेकिन हमें कोई भी नहीं दिखा। हम अपने उस ट्रक ड्राइवर को ढूंढने में सारा समय व्यतीत कर रहे थे, लेकिन वो कहीं नहीं दिखा। पता नहीं वो अचानक ही कहाँ चला गया। हम सभी बुरी तरह हताश थे, और इसी बीच हमें ऐसा एहसास हुआ कि हमारे चारों तरफ रोशनी का एक ऐसा प्रकाश फैला है जिसने कुछ दूरी को उजाले से भर दिया है। तभी हमारी नजरें सीधे बरगद के एक लंबे घने पेड़ पर गई, तो मैंने देखा कि वहां पर एक जीप बैठा हुआ था जिसकी आंखों से वो तेज रोशनी चमक रही थी। फिर वो जीप अचानक उस पेड़ से नीचे गिर पड़ा। जैसे वो जमीन पर गिरा तो कुछ फटने की आवाज आई। आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि उसने सारे ड्राइवरों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, और हम सभी लोग उसी की तरफ देखते रहे। वो विशाल जीप जो दिखने में थोड़ा शांत लग रहा था, लेकिन उसे देखकर ये पता लगाना बेहद मुश्किल था कि सच में ये खूंखार जानवर है। हम सभी की दृष्टि से वो एक शांत और सुशील जानवर था। हमें लगा वो एक दिव्य शक्ति है, लेकिन कुछ जानवरों के अंदर इतनी अद्भुत शक्तियां होती हैं कि वो अपने रूप के साथ साथ अपने अंदर से तेज रोशनी का भी संचार करते हैं और लोगों को माया जाल में फंसा लेते हैं। और उसी दौरान मैंने अपनी दृष्टि को दूसरी तरफ फेर लिया, लेकिन फिर मुझे ऐसा एहसास हुआ कि सभी ड्राइवर अपना आपा खो बैठे हैं और उस जानवर की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी कि जो मैंने सोचा था असल में वही हुआ। ये एक मायावी भ्रम था जिसने काफी देर से सभी लोगों को अपने माया जाल में फंसा रखा था। और होश में आने के बाद मैंने उन सभी को अपनी अपनी आंखों के ऊपर हाथ देने को कहा, वरना आज हम सभी मायावी शक्तियों के एक ऐसे जाल में फंसने वाले थे जहां से बचना नामुमकिन होता है। अब उसने ये साबित कर दिया था कि वो कोई दिव्य शक्ति नहीं बल्कि एक डरावनी और खौफनाक मायावी ताकत है। फिर जो हुआ उसकी कल्पना मैंने अपने सपने में भी नहीं की थी। दरअसल मैंने देखा कि अब उसका पूरा का पूरा हुलिया बदलने लगा और उसने हमारे एक दोस्त का रूप धारण कर लिया। उसका रंग और रूप देखकर यह साफ ज्ञात हो रहा था कि हमारे सामने साक्षात हमारी मौत खड़ी है। उसके पीछे की तरफ वो ट्रक पड़ी थी जो अब जलकर खाक हो चुकी थी। ये तो तय था कि अब हम सभी का बचना मुश्किल था, लेकिन हमें ये समझ ही नहीं आ रहा था कि हमारे सामने जो खड़ा है असल में वो हमारा दोस्त है। सभी ट्रक ड्राइवर गुस्से से लाल हो गए और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया। लेकिन एक मायावी शक्ति को इन चीज़ों से भला क्या असर पड़ सकता है। उसके चेहरे से एक हल्की सी मुस्कुराहट झलकती रही और वो हमारी तरफ देखता रहा, और पत्थरों का तो जैसे उसके शरीर पर तो कोई असर ही नहीं था। हम तो स्वयं मौत को चढ़ा रहे थे। फिर उसने अपने ही कदम से वहाँ के पूरे इलाके को हिला दिया। उसके कदम पटकते ही जमीन थरथर कांप उठी। हमें ऐसा लगा मानो जमीन के अंदर भूकंप हुआ हो। उस नॉर्मल इंसान जैसे दिखने वाले मनुष्य की इतनी शक्ति देख हमारे तो होश ही उड़ गए। अब हमें समझ आ रहा था कि हमारा पलक किससे पड़ा है। तभी मैं हल्का सा पीछे हटा और ट्रक में बैठ गया, क्योंकि इस समय तो हमारे लिए सबसे सुरक्षित स्थान हमारी ट्रक ही थी। मैंने ट्रक स्टार्ट की और बिना कुछ सोचे समझे ट्रक का गियर डाल दिया और लगातार स्पीड से उन जंगलों के बीचों बीच से मैं तुरंत ही गुजरने लगा। मेरा खलासी अभी भी बुरी तरह डरा सहमा मेरे बगल वाली सीट पर बैठा था। इस वक्त वो अकेला नहीं था जिसने भय से सामना किया था, बल्कि समझ ड्राइवर डर के मारे कांप रहे थे। इस समय सही और गलत इन दोनों के बीच क्या फर्क होता है मुझे नहीं पता। मुझे जिस तरफ रास्ता दिखाई दिया मैंने ट्रक को उसी तरफ भगाना सही समझा। मेरे पीछे समझ ड्राइवर लगे थे, यानी कि इस समय मैं अपने ट्रक को ड्राइव करता हुआ सबसे आगे चल रहा था, और जिस तरफ मैं जिस रास्ते को फॉलो कर रहा था वैसे वैसे सारे ड्राइवर मेरे पीछे लगे हुए थे। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मुझे एक मोड़ दिखा और उस मोड़ के पास एक नाम भी लिखा हुआ था। शायद वो किसी गांव का नाम था और हमारे लिए एक बड़ी अच्छी खबर थी कि अब हम लोगों को अपनी जान बचाने के लिए एक स्रोत मिल चुका था। अब गाँव जैसी बिरादरी में हम किसी की मदद अवश्य ले सकते थे, और उस गाँव के अंदर लाइट की भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी। तो हमने सही समय पर उस गांव के अंदर डेरा डाल लिया।
जब लोगों ने इतने सारे ट्रक को एक साथ गांव में देखा तो उन्हें यह एहसास हो गया कि हो ना हो कुछ तो गड़बड़ है। और जब कुछ लोग इकट्ठा हुए तब जाकर हमने उन्हें सारी बात बताई। तभी उन्होंने बताया कि वो जंगल एक हॉन्टेड जंगल है, लोग उसे सिर्फ हॉरर के नाम से नहीं जानते बल्कि मौत के नाम से मशहूर करते हैं। कहते हैं शाम के 6 बजने के बाद उस जंगल में इतनी काली शक्तियां भटकती हैं कि लोग उस जंगल के करीब जाने पर भी कतरा जाते हैं। कहते हैं सालों पहले उस जंगल के अंदर कुछ लकड़हारे मारे गए जिनके बाद उनकी आत्मा मायावी शक्तियों का रूप ले चुकी है, एक ऐसी प्रचंड मायावी शक्ति जिसने उस जंगल को अपने घेरे में डाल रखा है। कहते हैं वहाँ केवल एक शक्ति निवास नहीं करती बल्कि भूतों का पूरा झुंड रहता है। दोस्तों जब हमने उस साथी ड्राइवर के बारे में बताया तो उनका कहना था कि अब वो ट्रक जल चुकी है और आपका साथी उनका खाना बन चुका है, अब वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हम उनके कहने मात्र से कहाँ पर मानने वाले थे। दूसरे दिन सुबह हुई तो हमने अपने दोस्त को जंगल के हर कोने में ढूंढ लिया लेकिन वो कहीं नहीं मिला, साथ ही उसकी जली खली ट्रक भी वहाँ से गायब थी। पर आज इस कहानी को तकरीबन 7 साल बीत चुके हैं लेकिन ना ही तो आज तक हमें हमारे दोस्त का कोई ठिकाना मिला और ना ही उस ट्रक का जो वो ड्राइव करता था। और इसीलिए कहते हैं हमें कभी कभी अपने साथियों की बातों को भी मान लेना चाहिए, क्या पता उनके मुंह से कौन सी सच्चाई निकल जाए। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।